and other renderings by Lataji, Vande Mataram, these arouses the deepest spiritualism in all of us. She has taken music literally directly to the people. And among her admirers are not only people in different parts of India, from Gangotri, Vaishno Devi, Tirupati. Her music is admired in the homes of the wealthy in Mumbai and Chennai, also by the common people in tea stalls. I think you have earned what I would call the millennial stature. May I join all of us here, I think we'll join Lord Bagri and me in wishing you many, many happy years of singing, and may you continue to enrich our lives. भाई अरविंदो, मैं अभी जिस बात के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, मैं एमपी बनने जा रही हूँ। अभी तक मेरा शपथ विधि हुआ नहीं है। भारत सरकार जो भी हमारे लिए कहती है वो करना मैं अपना फर्ज समझती हूँ, और आज तक भारत सरकार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बहुत सारे मुझे उन्होंने पदवियाँ दी हैं और मेरी इज्जत बढ़ाई है हमेशा, और भारत मेरा देश है और वो बहुत महान देश है। उसके लिए जो भी करना है वो कम है, इंसान अगर कुछ भी करना चाहे तो, और मैं हमेशा ही भारत के लिए करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। रही मेरी बहुत सारी तारीफ जो हुई है, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे गुरुजन, उनका आशीर्वाद, और सबसे बड़ा अगर मुझे कुछ मिला है तो आप लोगों का प्यार। इस प्यार की वजह से लता मंगेशकर बनी है, वरना बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने वाले लोग दुनिया में हैं, उनको अगर सुनने वालों का प्यार नहीं मिलता है तो वो कुछ भी नहीं होते हैं। मुझे जितने बड़े गायक हुए हैं उनसे मैं अपना आधा भी मैं अपने आप को नहीं समझती हूँ, और अगर मुझे इतना प्यार आप लोगों ने दिया है, प्यार के साथ आशीर्वाद भी है आप लोगों का, जो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैं लंदन 74 में पहली मर्तबा आई थी प्रोग्राम करने के लिए, उस वक्त भी यहाँ के लोगों ने मुझे जितना प्यार से सुना वो मैं कभी नहीं भूलती हूँ, मुझे हमेशा याद है। मेरे लिए ये एक नया प्रांत है जो मुझे राज्यसभा का मेंबर बनाया है। मुझे मालूम नहीं मैं वहाँ जाके क्या करने वाली हूँ। मैं जाऊँगी, शपथ विधि होगा, मुझे लगता है पहले तो मैं सिर्फ जाके वहाँ सुनूंगी, देखूंगी, क्योंकि मैंने राजनीति से हमेशा मैं दूर रही हूँ। राजनीति और संगीत ये दो अलग अलग प्रांत हैं, इनका कोई मेल नहीं है। म्यूजिक जो है वो भगवान की भाषा है, और राजनीति जो है वो इंसान की भाषा है। मैं उससे कितना मुझे मतलब मैं यश मिलेगा मैं जानती नहीं हूँ, पर हमारे सरकार ने जब कहा कि आपको बनना ही चाहिए, गए 7-8 साल से मैं ना करती रही हूँ, अब के मुझे ना करना बहुत मुश्किल हुआ, और इसीलिए मैंने ये एक्सेप्ट किया है। मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है, कोशिश करूंगी कि अपने देश के लिए अगर मैं कुछ अच्छा कर सकी तो मैं ज़रूर करूंगी। बस आप लोगों का प्यार है इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। सत्तू भैया हैं, हमारे हाई कमिश्नर साहब हैं, बागड़ी सी हैं, मैं इन सब की बहुत आभारी हूँ, आप सब की आभारी हूँ। थैंक यू।